चुनावी साल में राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है, तो वहीं आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इस बीच कांग्रेस राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर आरोप लगाया कि बीते वर्षों में किसान के नाम पर तैयार किया गया बजट छल है। पिछले 5 साल में 1 लाख करोड़ से अधिक बजट खर्च नहीं किया गया जो ये बजट खर्च होना था, जो ये दर्शाता है कि सत्ता में किसान विरोधी सरकार है। चुनावी साल में राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है, तो वहीं आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इस बीच कांग्रेस राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर आरोप लगाया कि बीते सालों में किसान के नाम पर तैयार किया गया बजट छल है। पिछले 5 साल में 1 लाख करोड़ से ज्यादा बजट खर्च नहीं किया गया। बीजेपी की सरकार में 1 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। 1 लाख करोड़ के कृषि बजट खर्च नहीं किया गया बल्कि सरेंडर कर दिया गया, जबकि कांग्रेस की सरकार में 72,000 किसानों के कर्ज को माफ किया गया था। किसान को बड़ी राहत यूपीए सरकार में मिली थी। देश के कृषि जगत और किसानों के समक्ष आया है और यह आंकड़ा है कि पिछले 5 साल में कृषि बजट का 1 लाख करोड़ से अधिक सरकार ने सरेंडर कर दिया है। 1 लाख करोड़ से अधिक बजट जो कागजों में तो दिखाया गया कि कृषि संबंधित बजट था अलग अलग योजनाओं में, लेकिन उसका वो खर्च नहीं हुआ और सरेंडर हो गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये बजट है। इसकी तुलना कीजिए कि सरकार में, भाजपा की सरकार में 2014 से 22 तक देश के 1 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। आज इनडेटेडनेस या कर्जे में इतना किसान डूबा हुआ है, यह स्थिति देश के किसान की है। और ये फिगर जो है वो एनसीआरबी की फिगर है। दीपेंद्र हुड्डा ने आगे कहा कि पिछले 10 सालों में किसानों के लिए कुछ नहीं हुआ है, बस कॉरपोरेट घरानों के कर्जे माफ कर दिए गए। दिखाया जाने वाला बजट छल है क्योंकि उसे खर्च नहीं किया जा रहा, बल्कि हर वर्ष कृषि बजट में आ रही गिरावट अन्य देशों के मुकाबले बेहद ही खराब है, क्योंकि सरकार पारदर्शिता से आंकड़े पेश नहीं करती। बीजेपी के पहले कार्यकाल में 7% कर्जा किसानों का पड़ा, आज भी देश के किसानों को 80% किसान को गेहूं और 76% किसान को धान पर MSP नहीं मिलती, जबकि 10 सालों में यूपीए सरकार ने रिकॉर्ड बढ़ोतरी की थी। किसान का तो कोई कर्ज माफी हुई नहीं पिछले 10 वर्ष में। हाँ, ये सही है कि बड़े बड़े उद्योगपति घरानों के 14.5 लाख करोड़ कॉर्पोरेट लोन वेव ऑफ, 14.5 लाख करोड़ के कर्जे माफ बड़े बड़े उद्योगपति घरानों के तो हुए, किसान के कोई कर्जे माफ नहीं हुए। और उल्ट, जैसे मैंने कहा कि किसान कृषि संबंधित जो बजट भी था जो दिखाया गया, वो भी उस बजट में भी जो 1 लाख करोड़ खर्चा नहीं गया वो वापिस हो गया, जिसमें से 21,000 करोड़ तो इस पिछले वर्ष का है। पिछले वित्तीय वर्ष में 21,000 करोड़ जो बजट दिखाया गया कृषि संबंधी, वो खर्चा नहीं गया, वो सरकारी खजाने में लौटाया। बजट जितना दिखाया जा रहा है वो छल है क्योंकि खर्चा नहीं जा रहा, लेकिन जितना दिखाया जा रहा है वो भी ओवरऑल जो देश का बजट है उसमें कृषि संबंधित बजट में निरंतर गिरावट आ रही है। बहरहाल, सांसद दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि किसान की आमदनी दुगनी का वादा भी छल है, क्योंकि सत्ता में किसान विरोधी सरकार है, लेकिन कांग्रेस हार नहीं मानेगी। हरियाणा में घर घर कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा ताकि जनता को बेहतर सरकार और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की पहचान हो। रिया राय, टोटल टीवी, दिल्ली।